चौथे नंबर पर बच्चों के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होने से हमारी क्या मुराद है, याद रखिए बच्चे को आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए, उसके जहन के अंदर ये एहसास मौजूद हो कि ये मेरी केयर करने वाले हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये बयान किया करते थे, उनका ये कहना था कि हमें लगता था कि जैसे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक बच्चे के जहन के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये टीचर हैं या माँ बाप है, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम अपनी चीज़ों को बग़ैर किसी डर के, खौफ के, दबाव के इनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को इनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ फ्रेंडली होना, उनको फैमिली टाइम देना, उनके अंदर जो फीलिंग है उनकी वॉइस को सुनना, उनके कंसर्न को समझना और उनके मन में अपने अंदर इख्तियार करने की ज़रूरत है।